हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नवम पाठ, सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष तद शब्द। आज हम इसका आगे का पाठ पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। निकालिए आगे का पाठ। सर्वनाम एतद तथा तद शब्द प्रश्नों उत्तर। सर्वनाम में एतद तथा तद शब्द के प्रश्न उत्तर। शिक्षक पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है। एषः किं करोति, वह क्या करता है। सः पाठयति, वह पढ़ाता है। भिक्षुकः याचति, भिक्षुकेने भिकारी याचति ने मांगता है, भिकारी मांगता है। एषः किं करोति, वह क्या करता है। सः याचति, वह मांगता है। मयूरः नृत्यति, मयूर ने मोर नृत्यति ने नाचता है, मोर नाचता है। एषः किं करोति, वह क्या करता है। सः नृत्यति, वह नाचता है। बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। एषा किं करोति, वह क्या करती है। हमने पहले पुल्लिंग का पढ़ा था, अब हम स्त्रीलिंग का पढ़ रहे हैं। एषा किं करोति, वह क्या करती है। सा पठती, वह पढ़ती है। लता नमति, लता यानी बेल, नमति यानी झुकती है। एषा किं करोति, वह क्या करती है। सा नमति, वह झुकती है। अजा धावती, बकरी दौड़ती है। एषा किं करोति, वह क्या करती है। सा धावती, वह दौड़ती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। एतत किं करोति, यह क्या करता है। तत विकसति, वह खिलता है। वायुयानम उत्पतति, वायुयान उड़ता है। एतत किं करोति, यह क्या करता है। तत उत्पति, वह उड़ता है। चक्रम भ्रमति, चक्र घूमता है। एतत किं करोति, वह क्या करता है। तत भ्रमति, वह घूमता है। आओ अब हम इसके शब्दार्थ दोहराएंगे। विकसति खिलता है, नमति झुकती है, भ्रमति घूमता है, भिक्षुक भिकारी। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह लड़का पढ़ता है, वह के लिए क्या आएगा स, लड़के के लिए क्या आएगा बालक, पढ़ता के लिए क्या आएगा पठती। तो स बालक पठती। वह लड़की जाती है, सा बालिका गच्छती, जाने के लिए क्या आएगा गच्छती। वह पुरुष खाता है, स पुरुष खादती, क्या आएगा स पुरुष खादती। वह कमल खिलता है, सह कमलम विकसती। वह चिड़िया उड़ती है, सा चटका उत्पतती। वह पुस्तक है, स पुस्तकम अस्ति। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप मूल धातु का लिखिए। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप मूल धातु का लिखना है, मूल धातु का हमें रूप लिखना है, ठीक है। पठ पठती, क्रीड क्रीडति, नम नमति। ये जो मूल धातु है उसमें हमें क्रिया शब्द बनाना है, एक वचन वर्तमान काल में बनाना है। तो पठ के पीछे क्या आ लगेगा, ती, क्या लग जाएगा ती। तो पठती क्रीडति नमति, हस का हसती, लिखती चर का चरती,
ठीक है, आपको इस प्रकार से ये क्रिया शब्द लिखना है, ये आपको परीक्षा में भी आएंगे। अब चित्र देखकर सही क्रिया लिखिए। चित्र देखकर सही क्रिया लिखिए। एसह अश्व, यह घोड़ा, इसमें क्रिया क्या आएगी, धावती, क्या आएगी, धावती। यह घोड़ा दौड़ता है। एषः बालिका, यह लड़की है, पश्यति यानी देखती है, यह लड़की देखती है। एतत् पर्णम, यह पत्ता, क्या क्रिया है, पतति यानी गिरता है, यह पत्ता गिरता है। एषः अजा चरति, यह बकरी चरती है। बच्चों आपको ये पाठ पढ़ना है, समझना है और इसका जो अभ्यास है वो अपनी पुस्तक में ही करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।